हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू मेजर राइट एंगल या फिर गुनिया कैसे निकाले। दोस्तों गुनिया निकालने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें चेक करना हो कि दो जो वॉल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल पर है या नहीं। जब दोस्तों दो वॉल राइट एंगल पर होती है तब जो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। दोस्तों अगर ये 90 डिग्री तो हम मेजर नहीं कर सकते, राइट कौन मापक लेके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। जनरली फॉर्मूला दोस्तों बहुत सिंपल है कि अगर आपका जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो 3 फीट है, ये अगर 3 फीट है और ये लंबाई में आप 4 फीट लेते हो तो ये जो दो पॉइंट बनेंगे वो डिस्टेंस कितना आएगा, 5 फीट, ठीक है। तो ये जो जो रूल है दोस्तों उसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है। तो इसके मुताबिक ऐसा है, अगर जेड आपको निकालना है, ठीक है, आपने एक्स और वाई ले लिया, एक्स यहाँ पे 3 फीट ले लिया, वाई आपने 4 फीट ले लिया, आपको जेड निकालना है कितना है, तो फॉर्मूला सिंपल है कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके हिसाब से, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप इस हिसाब से याद रखिए कि फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 3, 4, 5 फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि 3 फीट, 4 फीट और जो राइट एंगल में आएगी ऐसी लाइन वो हमारी 5 फीट रहेगी, राइट, 5 फीट या फिर मीटर में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखते हैं, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको मेजर करके बता देता हूं। अगर ये 3 फीट है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3 फीट लेता हूँ, 3 फीट मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो यहां पर कितना है, ये मेरा डिस्टेंस 3 फीट लेता हूं, ठीक है, और जो वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल हम कितना लेते हैं, 4 फीट ले लेते हैं, ठीक है, यहां से 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 फीट लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 फीट। फिर आपको क्या करना है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, तो 5 फीट या फिर हमने स्केल लिया है तो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर आता है या नहीं, ठीक है। देखिए ये आप मेजर करेंगे, देखिए एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मैं आपको स्केल बता देता हूँ, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये जो वॉल है वो राइट एंगल पर है, मतलब उसका जो है वो 90 डिग्री का एंगल है अगर ये 5 फीट आता है। अगर दोस्तों यहां पर हम लेते हैं फिर से, इधर सेम चीज हम करेंगे, तो यहां पर मैं लेता हूं, यहां पर हम लेते 3 फीट, ठीक है, और यहां पर हम लेंगे 4 फीट, ठीक है, यहां से 4 फीट लेते, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां पर तब ये जो डिस्टेंस बनेगा वो भी कितना आना चाहिए, 5 फीट हमारा आना चाहिए, ओके। तो कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, तो देखिए यहां से मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये 5 फीट और तो ये जो डिस्टेंस है करीबन 5.2 सेंटीमीटर के करीब हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो वॉल है ये वाली थोड़ी आगे है, ठीक है, इसको 4.9 या फिर थोड़ी पीछे है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम लाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये 3 था, ये 4 फीट था, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन थी उसको यहां पर लाएंगे तब 5 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर ये 6 फीट है, 8 फीट है, तो ये जो है ये कितना आना चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है।